सो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल तिवारी एंड यूज मी यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों यहाँ पर आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करूँ आपसे सबसे पहली न्यूज़ के बारे में, सबसे पहली जो न्यूज़ है फिलहाल यहाँ पर निकल कर आती है आईक्यू की तरफ से। और दोस्तों आईक्यू 8 इस स्मार्टफोन के पूरी जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। यहाँ पर एक पोस्टर लिख होकर क्या है जहाँ पर आईक्यू 8 स्मार्टफोन के फीचर्स बताए गए हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आईक्यू 8 स्मार्टफोन, इसमें आपको 6.56 इंचेस की एक फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट पे बेस्ड होगी। उसके साथ में यहां पर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्लस का जो प्रोसेसर है वो देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ यहां पर आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल लेयर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, 4350 एमएएच की बड़ी बैटरी, उसके साथ 120 वाट का चार्जर जिससे आपकी जो बैटरी वो काफी तेजी से चार्ज हो जाएगी, एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ये सभी फीचर्स यहां पर देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो आईक्यू 8 स्मार्टफोन कंफर्म हो गया है, फीचर्स भी आ चुके हैं, पोस्टर भी आ चुका है, जल्दी ये स्मार्टफोन यहां पर लॉन्च हो जाएगा। दोस्तों बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल रही है शाओमी की तरफ से। दोस्तों शाओमी का एक नया लॉन्च इवेंट है 26 अगस्त को इंडिया में, और यहां पर इस लॉन्च इवेंट में शाओमी मी बैंड 6, उसके साथ मी नोटबुक और यहां पर ब्लैकलिस्ट कीबोर्ड और इसके साथ में बहुत सारे जो आईओटी प्रोडक्ट्स हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। तो शाओमी यहां पर 26 अगस्त को इंडिया में काफी सारी चीजें अनाउंस करने वाली है। दोस्तों अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल रही है पोको की तरफ से, और दोस्तों आज यहां पर एक ऐसी रिपोर्ट निकल गई है जहां पर पोको वालों का यह कहना है कि पोको जो है वो क्वार्टर सेकेंड 2021 में पोको की ग्रोथ इंडिया में 865% ज्यादा हुई है, मतलब रेगुलर ग्रोथ से 865% ज्यादा ये लोग ग्रोथ किए हैं क्वार्टर सेकेंड में, जो कि पोको के लिए काफी अच्छी गुड न्यूज है। आप यहां पर पोको के स्मार्टफोन को यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल जाती है रियलमी तरफ से, और यार रियलमी वाले एकदम हद पार कर चुके हैं। यहां पर Realme 8 5G, Realme C21 और Realme C25s, ये जो स्मार्टफोन है इनके इंडिया में आज फिर से प्राइस इंक्रीज कर दी गई है। Realme 8 5G स्मार्टफोन ऑलरेडी 500 रुपये प्राइस बढ़ा दी गई थी, ये 500 रुपये और महंगा हो गया, अब ये स्मार्टफोन डायरेक्टली आपको 15,000 का मिलेगा। उसके साथ Realme C21 और C25s ये स्मार्टफोन भी 500-500 रुपये महंगे कर दिए गए हैं। तो Realme वाले आखिर ये कर क्या रहे हैं 500-500 रुपये 1000 रुपये करके, मतलब प्राइस ये लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं। स्मार्टफोन को लॉन्च करेंगे कि काफ़ी सस्ता स्मार्टफोन हम लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में, पहली बार लॉन्च कर रहे हैं, बाकी फिर लॉन्च करने के बाद में क्रेडिट लेने के बाद में लगेंगे प्राइस इंक्रीज करने, और आखिर में वो जो स्मार्टफोन है वो ओवर प्राइज्ड हो ही जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट करके बताइएगा। बात करूं अगली न्यूज के बारे में, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल के आती है शाओमी की तरफ से। दोस्तों आज यहां पर मी 11T प्रो ये जो स्मार्टफोन है वो TKDN सर्टिफिकेशन साइट पर ऑनलाइन सर्टिफाई हो गया है, जिससे इसका जो लॉन्च है वो यहां पर कंफर्म हो जाता है। तो शाओमी की मी सीरीज के भी अंदर काफी सारे स्मार्टफोन जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। दोस्तों अगली जो न्यूज है वो भी फिलहाल यहां पर निकल के आती है रेडमी की ही तरफ से। रेडमी नोट 10S इस स्मार्टफोन में एक नया कलर वेरियंट फिर से इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, इसका नाम है स्टैनिंग पर्पल। Redmi Note 10S स्मार्टफोन में ऐड होने वाला है, इसकी जो कंफर्मेशन है वो Redmi की तरफ से कंफर्म कर दी गई है। उनके ट्विटर हैंडल पे उन्होंने बताया नहीं कि कब आने वाला है, लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि कमिंग सून जल्दी ही ये जो कलर वेरिएंट है वो Redmi Note 10S स्मार्टफोन में ऐड हो जाएगा। दोस्तों बात करूं आपसे अगली न्यूज के बारे में, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहाँ पर निकल जाती है यूनिशॉक की तरफ से। दोस्तों यूनिशॉक का भी प्रोसेसर अब यहाँ पर धीरे धीरे करके पॉपुलर हो रहा है मीडियाटेक की तरह, और यूनिशॉक का एक प्रोसेसर है जो कि है T610। अब यहाँ पर रियलमी मोटरोला माइक्रोमैक्स ऑलरेडी पार्टनरशिप कर लिया था, तो रियलमी मोटरोला भी अब यहाँ पर पार्टनरशिप कर चुके हैं यूनिशॉक के साथ में, और रियलमी मोटरोला के भी आपको काफ़ी सारे स्मार्टफोन यूनिशॉक T610 प्रोसेसर पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये भी सुनने में आ रहा है कि 5G प्रोसेसर पे भी काम कर रहा है, और आने वाले टाइम में ये प्रोसेसर भी लॉन्च किए जाएंगे, और हो सकता है कि जो रियलमी 7000 रुपये वाले स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है 5G स्मार्टफोन को, उसमें भी आपको यूनिशॉक का ही सस्ता 5G प्रोसेसर देखने को मिले, ऐसी कुछ लीक्स आ रही है। देखते हैं आखिर आगे क्या होता है। आपका क्या ओपिनियन इसके बारे में, अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगली जो न्यूज है फिलहाल यहां पर निकल के आती है Redmi की तरफ से। Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन में एक जो इनका स्टोरेज वेरिएंट है वो इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अब आगे से वो स्टोरेज वेरिएंट आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। अब दोस्तों यहां पर Redmi Note 10 Pro स्मार्टफोन का जो 6GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट है वो इंडिया में डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अब आपको 6GB 128GB ही मिलेगा, 64GB नहीं मिलेगा, इसको Redmi ने खत्म कर दिया। इसके साथ में Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन का भी 6GB 64GB स्टोरेज बंद कर दिया गया है, अब आपको 6GB 128GB ही मिलेगा, आपको
64 GB वाला जो वेरिएंट है वो यहाँ पर रेडमी वालों ने बंद कर दिया। इसका साफ मतलब ये है कि हाइयर वेरिएंट में कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, इसलिए इन लोगों ने 664 को ही बंद कर दिया, क्योंकि अब यूज़र मजबूर हो जाएंगे कि वो लेंगे तो 6128 ही लेंगे, तो इसीलिए इन लोगों ने उस वेरिएंट को ही डिसकंटिन्यू कर दिया इंडिया में। आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है फिलहाल यहाँ पर निकल करती है फ्लिपकार्ट की तरफ से। दोस्तों फ्लिपकार्ट पे एक नई सेल आ चुकी है जो कि फ्लिपकार्ट मोबाइल डे सेल। अब यहाँ पर ये जो सेल है 16 अगस्त से लेकर के 19 अगस्त तक रहने वाली है। इसमें आपको 40% तक का जो डिस्काउंट है वो देखने के लिए मिल रहा है, और काफी सारे ऐसे स्मार्टफोन हैं जिन पे आपको 4000 रुपए तक का जो डिस्काउंट है वो देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको कोई नया स्मार्टफोन परचेस करना है आप यहाँ पर इस सेल में जाकर के एक बार चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों बात करूं अगली न्यूज के बारे में, अगली जो न्यूज है फिलहाल यहाँ पर निकल जाते हैं रियलमी 9 स्मार्टफोन को लेकर के। और दोस्तों एक व्यक्ति ने ट्विटर पे रियलमी वालों से पूछा कि रियलमी 9 सीरीज के स्मार्टफोन कब आने वाले हैं। तो यहाँ पर हालांकि इन लोगों ने ज्यादा तो कुछ तो बताया नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप हमारे सोशल मीडिया से कनेक्टेड रहिए, जैसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको बता देंगे। और लास्ट में इन्होंने लिखा है कि अप्रिसिएट योर पेशेंस। तो इससे कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि रियलमी वाले कहीं ना कहीं ये हिंट कर रहे हैं कि आप धैर्य बनाए रखिए, जल्दी ही रियलमी 9 सीरीज के स्मार्टफोन इंडिया में आने वाले हैं। तो रियलमी 9 सीरीज पे कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी पक रही है, और जल्दी ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। ऑफिशियली भी यहाँ पर कुछ ऐसी ही जो लीक्स हैं वो निकल करके आ रही हैं। तो दोस्तों फाइनली ये थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए। अब आपका क्या कहना है इस विषय के बारे में? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों ये था उस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा। इसके साथ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।